नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि ग्रुप डी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रुप डी के आंसर की के बारे में। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो 18,000 कुछ वैकेंसियाँ हैं ग्रुप डी की, उसका एग्ज़ाम अभी अभी कंडक्ट हुआ है और जो चल भी रहा है। लगभग एक डेट हुई है और 3 डेट में और होने वाला है। तो इसके आंसर के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कि आंसर की अब आएगी, ये आंसर की है, ये आंसर की है, कुछ कोचिंग सेंटर वाले भी आंसर की दे रहे हैं। तो लेकिन दोस्तों, उन आंसर की को चेक करके आप भ्रमित ना हो कि आपके नंबर कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। उन आंसर की में त्रुटियां मिलने वाली है। जब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की ऑफिशियल आंसर की आए, आप उसी से ही अपना स्कोर मैच करना और उसी से अपने जो कॉपी है उसका आंकलन करना कि आपके कितने मार्क्स वो है टोटल एग्रीगेट हो रहे हैं और आप कट ऑफ में आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो दोस्तों, अपना धैर्य बनाए रखें। जब तक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की है वो ना दे, ये लगभग जो लास्ट एग्ज़ाम होगा उससे लगभग 3 या 4 दिन के बाद आंसर की आपको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और अगर आपको इंतज़ार नहीं हो रहा तो आप अपने खुद के हिसाब से जो आपका आंसर बन रहा है, या आप खुद चेक कर सकते हो उस क्वेश्चन को निकाल के या कहीं से चेक करके, और खुद अपने नंबर एग्रीगेट बना सकते हो, वहाँ से अच्छे से चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आखिर में यही कहूँगा कि अगर आप आंसर की चाहते हो तो ऑफिशियल वेबसाइट हरियाणा स्टाफ सेक्शन की वेबसाइट पे ही चेक करें, क्योंकि इससे पहले भी आंसर की लोगों ने दी थी लेकिन उसमें भ्रांतियाँ बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा त्रुटियाँ मिली। जब हरियाणा स्टाफ सेक्शन की वेबसाइट पे आंसर की आई और जो ग्रुप वालों ने या फिर किसी कोचिंग सेंटर वालों ने आंसर की दी, उनमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।